हेलो गाइस, वेलकम टू सैम स्टार्ट किचन। मेरा नाम है सम्राट और आज की डिश है कुछ नहीं। जी हाँ, आज हम कुछ बना नहीं रहे। आज का वीडियो सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन दूंगा और इंफॉर्मेशन का टॉपिक है प्रोटीन। यस, प्रोटीन के बारे में आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो जानने के लिए स्टे ट्यून। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आपने नोटिस किया होगा मेरी हर वीडियो के आगे मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद एक डिश बनाता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट, यहाँ पे आई बटन क्लिक करो, सॉरी इधर होगा, सो गो एंड चेक आउट। तो आज का टॉपिक है प्रोटीन, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। आप सबको पता होगा, जिम जाते हो या नहीं जाते हो, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, घर में माँ भी बोलती है, जिम में हमारा ट्रेनर बोलता है। तो और आपने मेरी डिश में भी देखा होगा कि अच्छा खासा प्रोटीन रहता है, सो उसका क्या रीज़न है और क्या हमें इतना सारा प्रोटीन लेना भी चाहिए? तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, उसके बाद आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि प्रोटीन क्या है, मतलब और उसको कैसे लेना चाहिए। तो हम जो दिन भर काम करते हैं ड्यूरिंग द डे, या फिर जिम कर लिया, जैसे कि चलो आज जिम में मैंने बाइसेप की एक्सरसाइज किया, फुल बाइसेप किया, एकदम मसल फटीग हो गए, फट गए बाइसेप के मसल्स, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो मसल्स रिपेयर होंगे और रिपेयरिंग टाइम रहता है अराउंड 48 आवर्स। नॉर्मल रहता है, डिपेंड ऑन योर मसल्स, जैसे कि छोटे मसल्स है, बाइसेप के मसल्स छोटे हैं, ट्राइसेप के मसल्स छोटे हैं, तो उसको रिपेयर करने में इतना टाइम नहीं लगता। क्वाड्स है, उसके मसल्स बड़े हैं तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, अराउंड 2-3 डेज, 4 डेज भी लग सकते हैं, डिपेंड आपने कितना हैवी वर्कआउट किया है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो रिपेयर कैसे होते हैं? ऑब्वियसली वो प्रोटीन से रिपेयर होता है। आपने भी सुना होगा कि भाई प्रोटीन खाओ, ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्रोटीन खाओ, प्रोटीन से ही आपके मसल्स बिल्डअप होते हैं, मसल्स रिपेयर होते हैं। तो मसल्स रिपेयर कैसे होते हैं? ऑब्वियसली प्रोटीन खाने से, सिर्फ प्रोटीन से नहीं, आपकी ऑब्वियसली आपकी जो ओवरऑल मील रहेगा ड्यूरिंग द डे, आप जितना खाना खाएंगे उसमें फैट भी रहेगा, थोड़ा बहुत कार्ब्स भी रहेगा, सब न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे और विटामिन्स रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे। तो बेसिकली खाने में से जो फैट होता है वो हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है, यू नो फैट ऑब्वियसली पता है। कार्ब्स यानी कि शुगर, वो भी स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। प्रोटीन इज़ अ थिंग जो कि हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। तो अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे आफ्टर एक्सरसाइज, तो आपके जो टूटे हुए मसल्स हैं वो रिपेयर नहीं होंगे एंड एंड अप आप मसल लॉस करेंगे। आपने जिम में भी देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जो फुल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मसल्स इतने गेन नहीं होते। उसका रीज़न वही है, उनका डाइट प्रॉपर नहीं है, उनके डाइट में प्रॉपर प्रोटीन इंटेक वो नहीं लेते। और जैसा मैंने बताया कि 48 आवर्स तक आपके मसल्स रिपेयर होते हैं नॉर्मली, तो आप और आपका बॉडी भी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती, इसीलिए आपके हर मील में आपको थोड़ा प्रोटीन इंटेक रखना पड़ता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए, दैट ऑल्सो डिपेंड्स आप किस लेवल का वर्कआउट कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल 9 to 6 काइंड ऑफ जॉब कर रहे हो, दिन भर बैठे ही रहने की जॉब है, तो आपको इतना ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अराउंड 1 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट। और अगर आप जिम में वर्कआउट करते हो, कार्डियो करते हो, थोड़ा बहुत लिफ्टिंग भी कर लेते हो वेट्स की, तो 1.5 ग्राम ले सकते हो, 2 ग्राम आप अगर इंटरमीडिएट वर्कआउट करते हो, थोड़ा बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हो, या फिर प्रॉपर प्रो लेवल एथलीट हो, यू नो नेशनल लेवल के एथलीट होते हैं वो लोग,
3 ग्राम तक भी प्रोटीन लेते हुए देखा है मैंने। पर आपको ये प्रोटीन ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि 1 ग्राम प्रोटीन लेना है पर पाउंड ऑफ ए बॉडी वेट, तो आपने सुबह के लंच में ही इतना सारा प्रोटीन इंटेक कर लिया और बाकी ड्यूरिंग द डे आप कुछ नहीं खाएंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है, आपको प्रोटीन अपनी हर एक मील में ऐड करना है। जैसे कि मॉर्निंग में लंच हो गया तो लंच के साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन ले लिए, अंडे वगैरह ले लिया, चिकन खा लिया, फिर उसके बाद डिनर कर लिया तो डिनर में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड कर लिया। और ये भी क्वेश्चन है कि कितने मील्स लेने चाहिए ड्यूरिंग द डे, वो भी डिपेंड करता है। प्रो लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स है वो 4 या 5 मील भी डिवाइड करते हैं और अपने हर मील में वो प्रोटीन इंटेक हाई रखते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में हो गया, आफ्टर आफ्टर वर्कआउट वो लेते हैं प्रोटीन शेक वगैरह, फिर लंच में प्रोटीन डालते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन के साथ ग्रीन वेजीज भी खाते हैं, फिर कार्ब्स भी लेते हैं जैसे कि रोटी हो गया, राइस हो गया, फिर अगेन इवनिंग के टाइम में भी प्रोटीन शेक ले लिया या कुछ खा लिया डिनर में भी, तो ऐसे ही वो अपने प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके लेते हैं। राइट, सो अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, अगर वेजिटेरियन हो तो क्या खाएंगे प्रोटीन में, नॉन वेज हो तो क्या खाएंगे। आई वुड से वेजिटेरियन में काफ़ी सारे प्रोटीन सोर्स है, पनीर हो गया, टोफू हो गया विच इज़ मेड फ्रॉम सोया मिल्क, फिर बीन्स हो गए, चिकपीस हो गया मतलब चना हो गया। नॉन वेज में तो है ही, एग्स है, चिकन है, फिश है, रेड मीट है। अदर देन दैट वे प्रोटीन है, जो कि काफ़ी मिसकंसेप्शन लिया है वे प्रोटीन को, लोग बोलते हैं वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। सी गाइस, वे प्रोटीन हमारे नॉर्मल दूध में से ही बनता है, दूध में से उसको उसमें से वे अलग करते हैं, पर वे को आप मील से रिप्लेस मत कीजिएगा, इज़ अ सप्लीमेंट, नाम में ही है सप्लीमेंट, तो वे प्रोटीन यू कैन यूज़ एज अ सप्लीमेंट। जैसे कि अगर आपने आपका क्राइटेरिया है 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी, आपका जो बॉडी वेट के हिसाब से, तो अगर आपके खाने के हिसाब से अगर आपका प्रोटीन इंटेक इतना नहीं हो रहा है और आप और ज़्यादा नहीं खा सकते, तब आप वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आप अपने रेगुलर मील को रिप्लेस करके वे प्रोटीन लें। सो यूज़ इट एज अ सप्लीमेंट। सो आई होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी प्रोटीन के बारे में। फैट्स भी इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैट्स के बारे में अभी नहीं बताऊँगा, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ मैंने प्रोटीन के बारे में रखा है, फैट्स के बारे में रखूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा फैट्स के ऊपर पूरा अलग से। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको पास ऑन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, फैमिलीज को बताइए कि कैसे प्रोटीन ज़रूरी है और कैसे उसको लेना है। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।